वीडियो होने वाली है कुछ ऐसी जिसका खाना कभी खत्म नहीं होता है। हम करने वाले हैं आज नया बॉक्स ओपन। तो ये पूरा सील पैक था यहाँ से, और ये है 1200 रुपये का। मतलब हम लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी बारबेक्यू नेशन की, वो भी 900 की थी, लेकिन अभी तक का ये सबसे एक्सपेंसिव बॉक्स है। और अगर हम वहाँ जाके खाते हैं तो आपको 650-700 को ऐसा पड़ता है। देखते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है। जद्दोजहद लग गई है निकालने में। ये है आ गया हमारा 1, ठीक है, 3 डब्बे ये रहे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 रुकी नहीं रहा है। ये है, और ये हमें मिले हैं इसके साथ डिप्स। आई थिंक दिस इज मस्टर्ड डिप, और ये है हमारी शेजवान। तो फाइनली ये बॉक्स हो गया है खाली। ठीक है, इसको रख देते हैं हम पीछे जिससे कि आपको याद रहता रहे। और अगर आपने मेरा YouTube नहीं जाके देखा है तो जाके यार उसको फॉलो करो, उसकी उस पर भी ये वीडियोस आती हैं। आप वहाँ जाके भी देख सकते हो, वहाँ पे हम बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो भी डालते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल ऑल्सो, ठीक है। और ये हम लोग करते हैं, मैंने ऋषभ को बोला कि प्लीज़ स्पून ला दे सो दैट कि हम लोग कर लेंगे, लेकिन ही सेड कि नहीं यार इतना बड़ा डब्बा दे रहे, कटलरी तो देंगे ही। देख ले कहाँ है, कहाँ है, एक मिनट जो मैं लाती हूँ। पैकेजिंग मुझे काफ़ी सही लगी अभी तक, जितने भी बॉक्स ओपन करें उनका सबसे सही पैकेजिंग और लुक वाइज ये है। एंड द बेस्ट पार्ट की सब के ऊपर मेंशन है कि वो क्या क्या, ये दाल मखनी है, ये हमारे तंदूरी मशरूम है, दिस इज मलाई सोया चाप पनीर टिक्का। ठीक है, खोलना शुरू करते हैं हमारे पायरेट्स पनीर मखनी से। और पैकेजिंग देखो सॉलिड है, तो जितने भी ग्रेवी आइटम है ना इन्होंने ऐसे सील पैक करके दिए हुए हैं। सील के अंदर फिर सील, मतलब बंदा सीलिंग होता रह जाए वीडियोस में। सो लेट्स सी। ओहो बढ़िया सा लग रहा है ना, क्या बात है, नाइस, काफी सही, काफी प्रीमियम लग रहा है खाना, नो डाउट, पैकेजिंग काफी अच्छी है। ठीक है, ये है हमारी वेजिटेबल डिमसम, सबके ऊपर पैकिंग है क्या ऐसी? हाँ। एक होते हैं मोमोज, एक होते हैं डिमसम, एक होते हैं मोमोज जो होते हैं आई थिंक जो ऐसे पेड़े से बना देते हैं घर हाथों से, और ये होते हैं डिमसम। लग रहा है कुछ अलग ही तरीके से प्रिपरेशन है इसकी। ये है हमारी दम बिरयानी। ऋषभ इनका नॉन वेज वाला भी आता है क्या? हाँ, कितनी बढ़िया पैकिंग होगी ना उसकी। आई डोंट नो, नो डाउट वेज जो है ना इनका, मुझे अभी तक जितना भी खुला है बढ़िया लगा। बिरयानी कैसी है? काफ़ी सही लग रही है, काफ़ी काफ़ी खुशबू आ रही है इसमें, बहुत सही वाली। इसके ऊपर नहीं लिखा कुछ यार, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो ये लास्ट में खोलते हैं, इसको साइड रख देते हैं। ठीक है, लेट इट बी अ सस्पेंस, सस्पेंस बाद में देखेंगे। और ये है हमारी दाल मखनी। ओए होए, लुकिंग गुड। अगर हम बाहर जाते हैं ना बफे में तो हमें एक बंदे के लिए मतलब पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ता है, लेकिन अगर हम बफे बॉक्स घर पे मंगवा लेते हैं ना तो इट्स लाइक इट्स ऑन आस कि हम लोग 1200 रुपये में कितने लोग खाएंगे। तो हम लोग 3 तो ऋषभ खा ही लेते हैं एक बॉक्स में से। काफ़ी टेम्पटिंग लग रहे हैं हमारे मशरूम भी, मुझे पैकेजिंग काफ़ी सही लगी है भाई। ये देखो, ये है हमारा ओए होए मलाई सोया चाप, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम नहीं है ब्रेड का यार? नहीं ठीक है, स्टार्टर्स के हिसाब से, अब क्या मेन कोर्स की तरह, मतलब एक बंदे के हिसाब से दिया है। हाँ, ये है हमारा पनीर टिक्का, और ये है हमारे गुलाब जामुन। इनको देखकर ना मुझे अमृतसर की याद आ गई, जब मैंने वो बड़ी वाली जलेबी बनवाई थी और उसके साथ अंकल ने हमें छोटे छोटे बटन वाले देसी घी के गुलाब जामुन खाए थे। आप लोगों ने वो वीडियो 9XM पे तो देख ली होगी, आप लोगों को पता है ना मैं 9XM पे आती हूँ, मेरा पूरा शो आता है, मतलब साडी गड्डी का 9XM जलवा पे। नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, और स्टोरी में ना स्क्रीनशॉट लेके टैग कर देना। ये हमारी केसर फिरनी, ये मैं गेर ना दूं, ये देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और ये खुलेगी नहीं। और ये देख, खुला 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 खुला, खुल खुल खुल, ओए भाई ये कौन सी फिरनी है भाई, ये कैसी फिरनी है, क्यों ऐसा थोड़ी होता है फिरनी भाई, कैसा होता है फिर केसर फिरनी है जी, ऐसी होती है ऋषु, नहीं होती भाई ऐसी होती है। चलो ठीक है, और ये हमारी चॉकलेट ब्राउनी, मतलब
ऐसा ना बहुत रेयर होता है कि मैं चॉकलेट ब्राउनी या चॉकलेट की चीज़ों को देख के खुश होती हूँ, और आज वो दिन है। एंड इधर जल्दी से आओ, क्योंकि तो प्रेजेंटेशन लाइक पूरा बनाना लीफ नीचे रख के, ऊपर से मफिन देकर, चॉकलेट सिरप डाल के, या गुड जॉब गाइज। एंड दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड। लेट्स सी क्या होने वाला है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर अभी तक मेंशन नहीं है और ये सरप्राइज बॉक्स है। लेट्स सी क्या लगता है क्या होने वाला है। 1200 रुपए कैश अगर हो जाना तो मजे आ जाएंगे। अबे यार इतना सोचा था क्या निकला। शिट, चटनी प्याज जरूरी है। ठीक है गाइस, मेरी स्माइल रुक ही नहीं रही है, इतना टेम्पटिंग लग रहा है ना आज का खाना, आज की टेबल, दिल से खुश हूँ मैं देखकर। तो स्टार्ट करते हैं विद स्टार्टर्स। ठीक है, तो ये है हमारे मशरूम टिक्का। एंड आई मतलब कुछ दिनों से मुझे मशरूम और ऑलिव्स, ये दो चीज़ें जो बहुत पसंद आने लग गई हैं, काफ़ी सही है। इसमें ना अजवाइन का बहुत सही सा फ्लेवर आ रहा है, अजवाइन डाला हुआ है इन्होंने यार, अंदर तक फ्लेवर्स हैं मशरूम के। लेकिन थोड़ा सा ऑयल मुझे ज़्यादा लगा, लेकिन फ्लेवर्स आ रहे हैं गुड। ये है टेस्ट, ये करते हैं टेस्ट। मलाई चाप काफी सही रोस्ट हो रखी है, दिखने में पता चल रहा है ऐसे नहीं कच्चा है। काफी सारे क्रीम, लॉन्ग इलायची, और बहुत भाई अल्टीमेट फेल कर दिया मशरूम्स को है? बहुत सही है भाई, चाप इज रियली गुड। नाइस, पनीर टिक्का भी अच्छा लग रहा है ना, पनीर टिक्का बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखो अभी तक सब कुछ सही जा रहा है, काफी चटपटा स्पाइसी है हल्का सा। अब डिमसम की बारी है, सो लेट्स ट्राई दीज। ठीक है, ये हमें इसके साथ मिली है। जब तक स्पाइसी ना हो तब तक मजा नहीं यार। ये चटनी में तेल तेल वाला ज्यादा है, मुझे ऑयली चीजें कम पसंद है, बट ठीक है। दिल जीतता हुआ ये खाना जा रहा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट अभी तक वर्थ लग रहा है भाई। मखनी, दाल मखनी, पनीर बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है मुझे, तो जल्दी से प्लेटिंग कर लेते हैं। दो लच्छे पराठे दिए इतनी सारी चीज़ों के साथ, आप क्या चाहते हो? मतलब 1200 रुपये का खाना मंगवाने के बाद मैं और मेरा पार्टनर घर पे अब रोटियां सेके, आप पहले बता दें कि दो लच्छे पराठे आ रहे हैं यार, मैं और ऐड कर देती। लुक सो डिलीशियस, मुझे लग रहा है कि ना इनके ना अब बफे में जाना चाहिए, हमें आउटलेट पे जाना चाहिए और वहाँ जाके वहाँ के एम्बियंस और खाना सेम है या नहीं है या क्या डिफरेंस है उसकी भी वीडियो बनानी चाहिए। ऋषभ लेट्स प्लान दिस, क्योंकि इन्होंने जो भेजा है ना हमें घर में वो सही में काफी टेम्पटिंग लग रहा है। यूजुअली जो बफे का खाना होता है ना जो घर पे आता है, कुछ ना कुछ कमी रहती है उसमें, कुछ ना कुछ रह जाती है, लेकिन ये काफी सही लग रहा है। प्याज में भी वेरिएशन है, ये देख लो, मतलब एक सिरके वाली प्याज दी है और एक लच्छे वाली प्याज दी है। दो तो देते कम से कम एक मेरे लिए। कोई नहीं, तो खा लियो यार। ये देखो, अब ये मत बोलना बिरयानी नहीं है, पुलाव है, सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है मैंने आपको कंपैरिजन वाली वीडियो में बिरयानी की। ऊपर से दिए इसमें हमें कैरमलाइज अनियन। चलो 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 जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। ये लेते हैं एक बाइट बढ़िया सी पनीर मखनी, इतना मक्खन है कि पनीर निकल निकल के भाग रहा है बाइट में से। खुश हो गया मैम, बहुत सही है, काफी रिच है, रिच इट्स लाइक मुगलाई फ्लेवर्स, कसूरी मेथी खूब भर के डाली है और जिसका स्वाद अल्टीमेट आ रहा है। जल्दी से अपने उस दोस्त को टैग कर दो जिसका बर्थडे आने वाला है, खाना यहीं से मंगवाना या वहीं जाना खाने, इट्स लाइक अमेजिंग, यू गाइस विल लव इट। और मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं या तो मेरी किस्मत ज़्यादा अच्छी है, जब मैं खाना मंगवाती तो काफ़ी अच्छा आ जाता है। मुझे बारबेक्यू नेशन वाले की वीडियो में ना बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि उन लोगों ने अपने एरिया से खाना मंगवाया था और खाना अच्छा नहीं आया था, बट मेरा खाना तो अच्छा आया, तो मैं मतलब कैसे अपना खाना देख के रिव्यू कर सकती हूँ ना, मेरे को नहीं पता ना आपके एरिया में कैसे खाना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मेरा जो आया है एम्बियंस मॉल वाले गुड़गांव वाले वहाँ से, तो मैं इसकी गारंटी ले रही हूँ, बाकी सारे का मैं कुछ नहीं कह सकती। दाल मखनी भाई बहुत गजब है, दोनों ही काफी रिच है, आपको तो दिख ही रहा होगा ना प्लेट में। यहाँ आज होने वाली है लड़ाई, मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब लेते हैं एक बाइट जल्दी से बिरयानी की।
बिरयानी मैंने इससे बेटर खाई हुई है, लेकिन दाल मखनी एंड पनीर की सब्जी इज अल्टीमेट। आई रियली लव द ये क्या कहते हैं इसमें, तो खाना इतना स्वाद आ गया कि दिमाग से नाम स्किप हो गया है कि हमारी मलाई चाप भी बहुत सही है, पनीर टिक्का इज ऑल्सो गुड, डिमसम भी बढ़िया है। अब बारी है हमारी किसकी, मर्जी आपकी, तीन तीन मिठाइयां रखी है आपके सामने जो मन करे। भाई ऋषभ का ये खाने का बड़ा मन कर रहा था, तभी तभी तो मुझे पता था पूरा खत्म कर देगी। खत्म नहीं करूंगी बट ऋषभ को इंतजार करवाऊंगी। अजीब सा लग रहा है देख के, ऐसा नहीं होती फिर नहीं यार, फिर नहीं ऐसी होती है बेटा, बारीक वाले चावल की दिख नहीं रहे चावल, मुझे लगा बबल बन गए। एक होती है खीर जिसमें पूरा चावल जाता है, एक होती है फिरनी जिसके अंदर बारीक छोटे वाले चावल जाते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं वो। और कैसी है, काफी टेम्पटिंग, काफी स्वीट है, ठीक है। थोड़ी सी एक बार चॉकलेट ब्राउनी भी ट्राई करने का काफी मन कर रहा है सुबह से, जैसे ही पढ़ा था ना इसके अंदर आने वाली है, क्रेविंग स्टार्ट हो गई थी। और ये बाइट आप लोगों के नाम, ठीक है, डेडिकेटेड टू यू गाइस। जल्दी से इस वीडियो को कम से कम, नहीं तो कितने लाइक चाहिए जल्दी बता, 25 50,000, मैं तो 25 बोल रही थी, ऋषभ 50 कह रहा है। आप देख लो आपकी, आपको मेरी सुननी है या ऋषभ की, ठीक है। ऐसे ही मैं महंगे से महंगे आपको खाना मंगवा के बताती रहूंगी कि आपको वो मंगवाना चाहिए या नहीं चाहिए। ये वाला आप मंगवा सकते हो, एम्बियंस गुड़गांव की मैं गारंटी ले रही हूँ, बाकी वाले का मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जल्दी से 25,000 या 50,000 लाइक इसमें चाहिए, फिर नहीं ज़्यादा बेटर है।